नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा, जिसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया था, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल गया है और अब हम इस साबूदाने को एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। और साथ ही मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, इसे भी हम साबूदाना के अंदर कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से लम्स नहीं रहते हैं। और देखिए, मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली थी। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता, तो मैंने 5 से 7 कड़ी पत्ता लिया, जिसे पतला पतला काट लिया है। व्रत वाला नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। अगर आप व्रत में जीरा पाउडर खाते हो तो ही डालें, वरना ना डालें। आप साबुत जीरा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आप जीरा खाते हैं तो। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली थी, जिसे मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है, उसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। मैंने कच्ची मूंगफली का यूज़ किया है और मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ सके। तो फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा बनाना बहुत ही आसान है और ये आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए, मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये एक डो की फॉर्म में आ गया है। और अब हम हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और मैंने हाथों को धो लिया है और अब हम तेल से इसे ग्रीस कर लेंगे और इसका वड़ा बना लेंगे। व्रत में आप तेल या देसी घी जो भी खाते हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक वड़ा बना लिया है। बड़े आप छोटे, बड़े मोटे पतले अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आप खाते हों। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से वड़ा बन गया है। इसी तरह हम दूसरा वड़ा बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, हमारा दूसरा वड़ा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे भी हम प्लेट में रख देंगे और सभी वड़े हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म करना रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल हमें मीडियम गरम चाहिए, हाई गरम नहीं चाहिए, ज़्यादा हाई गरम भी ना हो ताकि बड़े जो है डालते ही जल जाएं। तो इस तरह का मीडियम गरम हमें तेल चाहिए। बड़े डाल देंगे और गैस का फ्लेम भी हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो जितने कढ़ाई में आ जाए उतने ही डालें, एक साथ सारे ना डालें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और तेल भी थोड़ा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए कि वड़े जो हैं वो फैले नहीं। अगर तेल ठंडा होगा तब आप वड़े डाल देंगे तो वड़े जो हैं वो फैल जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड, सभी वड़े हम इसी तरह फ्राई कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारे वड़े तैयार हो गए हैं। मैंने इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। ये व्रत की ही चटनी है फ्रेंड, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका साबूदाना वड़ा कैसा बना। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक तरह रेसिपी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।